वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट क्लर्क के एग्ज़ाम के लिए, जो कि 352 पोस्ट के लिए एग्ज़ाम निकला हुआ है हरियाणा रीजन की तरफ से। बहुत सारी कंफ्यूजन चल रही है इन दिनों एडमिट कार्ड को लेकर। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर एडमिट कार्ड आउट हो चुके हैं या नहीं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो बिल्कुल फेक न्यूज़ थी। कोई भी एडमिट कार्ड अभी तक आउट नहीं हुए हैं, कोई भी ऑफिशियल अपडेट अभी तक नहीं आई है। जब भी कोई भी ऑफिशियल अपडेट आएगी तो हमारा चैनल आपके तक सबसे पहले वो इन्फॉर्मेशन लेकर आएगा। तो आपको किसी भी फेक न्यूज़ पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस अपनी प्रेपरेशन पर ध्यान दीजिए। जब भी कोई भी अपडेट आएगी तो हमारा चैनल सबसे पहले अपलोड कर देगा। और ये आशंका जताई जा रही है कि आपका एग्ज़ाम है जो अगस्त में होना चाहिए, तो अगस्त तक आपकी एग्ज़ाम डेट आ जानी चाहिए, यही आशंका जताई जा रही है। लेकिन आप ज़्यादा फोकस अपने एग्ज़ाम प्रेपरेशन पर कीजिए। तो चलिए आज कर लेते हैं मॉक टेस्ट का 15th पार्ट। तो क्वेश्चन होंगे जीके के 20 और इंग्लिश के भी 20 क्वेश्चन रहेंगे, तो दोनों 20-20 मार्क्स के रहेंगे। अगर आप 30+ स्कोर करते हो तो आपकी प्रेपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही है। तो चलिए कर लेते हैं इस वीडियो को यहीं पर स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, एसिनोनिक्स जोबातस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ। तो एसिनोसिस जोबातस किस एनिमल का साइंटिफिक नेम है? तो आपको आंसर देने के लिए मिलेंगे 5 सेकेंड्स। तो ये साइंटिफिक नेम है चीता का, तो ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। आपसे क्वेश्चन घुमाकर भी पूछा जा सकता है, एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि चीता का साइंटिफिक नेम कौन सा है, तो आपको हर एंगल से क्वेश्चन याद कर कर जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चारमीनार वास बिल्ड बाय। तो जो चारमीनार है किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये बनाया गया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा, तो ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। तो एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ सकता है कि इसकी लोकेशन कहाँ है, तो इसकी लोकेशन है जो हैदराबाद है, जो कि तेलंगाना में पड़ता है। तो अगर हम बात करें इसका पैटर्न, जो डिज़ाइन का पैटर्न है इसका, वो है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर पैटर्न पर इसको डिज़ाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलर सेल्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो सोलर सेल किस सिद्धांत पर काम करते हैं? तो ये करते हैं फोटोवोल्टेक इफेक्ट के सिद्धांत पर काम करते हैं, तो ऑप्शन ए थर्ड के लिए बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टार अपीयर्स ट्विंकलिंग इन द स्काई बिकॉज ऑफ। तो स्टार हैं जो आसमान में चमचमाते हुए दिखाई देते हैं किस कारण? तो आपके पास हैं 5 सेकेंड्स आंसर देने के लिए। तो इसका रीजन होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय एटमॉस्फेयर, तो ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा 4th क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश वॉज द फर्स्ट एंड ओनली मुस्लिम वुमेन टू सिट ऑन द थ्रोन ऑफ द दिल्ली। तो दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली और एकमात्र महिला कौन थी? तो ये थी राजिया बेगम, तो ऑप्शन डी राइट आंसर रहने वाला है 5th क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट वाज पास्ड इंडिया इन। तो जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है कब पास किया गया था हमारे देश भारत में? तो ये पास किया गया था 1949 को, तो ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। तो ये एक्ट है, रेगुलेट करता है बैंकिंग सेक्टर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज फाउंड इन द एप्पल। तो एप्पल में इनमें से कौन सा एसिड है जो पाया जाता है? तो जो मैलिस एसिड है ये एप्पल में पाया जाता है। तो मैलिस एसिड है जो एक और फ्रूट में ही पाया जाता है जिसका नाम है पियर्स, जिसको हम नाशपति भी बोलते हैं। एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि पियर्स में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो इसमें भी मैलिस एसिड ही पाया जाता है। तो आपको हर एंगल से क्वेश्चन याद करते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
डैश इज़ द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड। तो इन दी गई ऑप्शन में से कौन सा लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है पूरे विश्व में? तो ये है मजुली। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। तो ये कौन सी स्टेट में है? तो ये है असम में। आपसे ये भी पूछ लेता है कि कौन से रिवर पर लोकेट करता है? तो ये ब्रह्मपुत्रा पर लोकेट करता है, ब्रह्मपुत्रा रिवर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द कंट्री वाज द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट गुड्स एंड सर्विस टैक्स फर्स्ट? तो सबसे पहले है जो किसने गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू किया था, कौन से देश ने? तो ये किया था फ्रांस ने। तो कौन से ईयर में किया था? 1954 में गुड्स एंड सर्विस टैक्स को सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया था फ्रांस ने, 1954 में। और हमारे भारत ने कब इम्प्लीमेंट किया था, कौन सी तारीख को? तो हमारे भारत ने किया था 1 जुलाई 2017 को। तो आपको ऐसे क्वेश्चन याद करते चलना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरी विच इज़ वेल नोन स्पेसिस ऑफ ट्रीज फाउंड इन। तो सुंदरी एक प्रजाति है ट्रीज की, ये कहाँ पर पाई जाती है? तो ये पाई जाती है मैंग्रोव फॉरेस्ट में। तो ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा 10th क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स मीन बाय व्हाट अथॉरिटी? तो आपको बताना है कि दिए गए रिट में से कौन सी होती है बाय व्हाट अथॉरिटी जिसमें आ जाता है। तो ये आ जाता है कोवरांटो में। तो ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। तो हमारे पास टोटल 5 रिट्स हैं। तो आपको ये भी याद रखना है कि टोटल 5 रिट्स हैं, 4 रिट्स के नाम मैंने लिख दिए हैं, 5th रिट जिसका नाम नहीं लिखा ये आपके लिए है, आपको कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ द अथॉरिटी टू फॉर्म अ न्यू स्टेट? तो किसके पास अथॉरिटी है एक न्यू स्टेट का गठन करने के लिए? तो ये अथॉरिटी होती है पार्लियामेंट के पास। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर रहेगा 12th क्वेश्चन के लिए। और स्टूडेंट्स, अगर अभी तक भी आपने हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, हमारा चैनल आपकी निश्चित ही हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड टू द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय द गवर्नर? तो आपको बताना है कि कितने मेंबर्स को नॉमिनेट करता है गवर्नर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए? तो ये करता है 1/6 मेंबर को। तो ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पॉलिटी से, ये बहुत बार एग्जाम में रिपीट भी हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वॉज इंक्लूडेड एज 27th स्टेट ऑफ इंडिया? तो 27वें नंबर पर कौन सी स्टेट को ऐड किया गया था? तो ये ऐड किया गया था उत्तराखंड को। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगर मैं बात करूं 26th की, तो वो थी छत्तीसगढ़। कौन सी? छत्तीसगढ़ है 26th पर। अगर हम बात करें 27th, वो मैंने आपको बता ही दिया है, छत्तीसगढ़। अगर हम बात करें 28th, तो वो है झारखंड। अगर मैं बात करूँ 29, वो है तेलंगाना। तो आपको इसी सीक्वेंस में याद कर लेना है, एग्जामिनर किसी भी तरीके से पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद सेंटर स्टेट फाइनेंस रिलेशन? तो कौन सा ऐसा पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो डील करता है सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन से? तो आपको उस पार्ट का नाम बताना है। तो
तो इसका जो बिल्कुल अप्रोप्रिएट ऑप्शन रहेगा, राइट आंसर है ऑप्शन सी 15th क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द पॉट सिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इन दिए गए ऑप्शन में से कौन सी पॉट सिटी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की? तो ये थी लोथल, तो ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। कहाँ पर है ये? गुजरात में। तो ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा 16th क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो सेड दैट देयर वॉज नो स्लेवरी इन इंडिया। तो किसने कहा था कि इंडिया में गुलामी नहीं है? तो आपके पास हैं चार ऑप्शंस, राइट आंसर बताइए। तो ये बोला था मैगन थनेसे ने, तो ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। तो ये पर्सन है कौन था? ये ग्रीक रूलर सुलुकस का राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 5 साल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेपोलियन वास। तो इंडियन नेपोलियन किसे बोला जाता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो ये बोला जाता है समुद्र गुप्त को। तो ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा 18th क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फ्लो इन टू द अरेबियन सी। तो कौन सा रिवर है जो अरेबियन सीस में नहीं फ्लो करता है? तो ये है तुंगा भादरा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज आर नॉट अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स। तो आपके ऑप्शंस हैं गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बोथ बी एंड सी। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए होमवर्क रखा है, आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है अगर आपको इसका राइट आंसर पता है। इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा। तो इंग्लिश का सेशन कर लेते हैं यहीं पर स्टार्ट आपके साथ। तो इंग्लिश के सेशन में सबसे पहले करेंगे फाइंड एरर्स। तो आपको एरर फाइंड करना है इस क्वेश्चन में कि कौन से पार्ट में यहाँ पर एरर है। इवन इफ यू आर अ फिल्म स्टार आई वुड नॉट केयर फॉर यू। तो आपको बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। अगर आप इसको रीड करोगे तो आपको पता लग जाए कि ये एक इमेजिनरी सेंटेंस है। तो इमेजिनरी सेंटेंस में आर यूज़ नहीं होगा यहाँ पर, यहाँ पर यूज़ होगा वर। तो यहाँ पर कौन से पार्ट में एरर है? तो यहाँ पर पार्ट टू में एरर है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, तो आपको राइट आंसर गेस करना है। ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन नॉट हैविंग वन ऑब्वियस मीनिंग। तो कोई ऐसी चीज़ जिसका सिर्फ एक अर्थ ना निकलता हो, तो बताना है कि आपको उसका राइट आंसर बताएं इसका। तो इसका राइट आंसर होगा एम्बिगस। तो ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। तो अगर मैं बात करूं ट्राइट की, तो ट्राइट क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी ओरिजिनलिटी ना हो, तो उसे हम बोल देते हैं ट्राइट। ऑपोजिट आप सभी को पता ही होगा, विपरीत। तो एक्सेप्शनल होता है अनकॉमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो आपको अप्रोप्रिएट वर्ड चूज करना है इन दिए गए लाइन्स के लिए। टाई द नॉट, तो टाई द नॉट क्या होता है? तो टाई द नॉट हम यूज़ कर लेते हैं टू गेट मैरिड। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला थर्ड क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, हमको एरर फाइंड करना है इसमें। तो बताइए कौन से पार्ट में यहाँ पर एरर है। इफ़ यू आर इन द रॉन्ग गियर्स द कार वॉन्ट बी एबल टू क्लिम द हिल। तो आपको बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है, या फिर कोई भी एरर नहीं है। तो
तो यहाँ पर एरर है गियर्स में, तो गियर्स नहीं होगा यहाँ पर, होगा गियर। तो कार सिर्फ एक ही गियर में चल सकती है, एक साथ ज़्यादा गियर्स में तो नहीं चल सकती। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर रहेगा, तो फर्स्ट ऑप्शन में एरर, तो ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो आपको अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करनी है, दिए गए लाइन्स के लिए कौन सी अप्रोप्रिएट रहेगी। द बॉल इज इन योर कोर्ट, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, इट इज अप टू यू टू मेक द नेक्स्ट मूव। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू हरास समवन प्रसिस्टेंटली टू डू समथिंग। तो किसी को परेशान करना लगातार कुछ करवाने के लिए, तो उसे हम क्या बोल देंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ये, तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, इम्पोर्चून। अगर हम बात करें डॉट की, तो डॉट होता है बहुत ज़्यादा प्यार करना, उसे हम बोल देते हैं डॉट। तो अगर हम बात करें न्यूरोटिक की, तो न्यूरोटिक होता है मेंटली इल। लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगर आपकी वोकैब अच्छी है तो आपके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद रहने वाला है, क्योंकि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट क्लर्क के एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के, उनमें वोकैब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है। अगर आपकी वोकैब अच्छी है तो आप इंग्लिश का सेशन बहुत ही अच्छे से कर आएंगे। लेकिन आपकी अगर वोकैब अच्छी नहीं है तो अपनी वोकैब जरूर अच्छी कर लें, डेली न्यूज़पेपर जरूर रीड करें, यही एक बेस्ट ऑप्शन है आपके पास वोकैब अच्छी करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, तो आपको अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करके इसमें फिल करनी है। द बेबी लुक्ड डैश द टॉफी विद ग्रीडी आइज, तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन पुट होगा। तो लुक के साथ हम एट का यूज करते हैं हमेशा, अगर किसी चीज को देखा जा रहा हो। तो यहाँ पर आएगा द बेबी लुक्ड एट द टॉफी विद ग्रीडी आइज, तो ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा सेवन्थ क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, अ शॉर्ट स्टेटमेंट एक्सप्रेसिंग अ जनरल ट्रुथ। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, मैक्सिम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको एरर फाइंड करना है कि कौन से पार्ट में एरर है। दिस इज द स्पॉट पर्सन whom आई थिंक हैज won द मच coveted प्राइज, या फिर इसमें कोई भी एरर नहीं है। तो बताइए कौन से पार्ट में एरर है, या फिर किसी भी पार्ट में एरर नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी में एरर है, यहाँ पर whom की जगह यूज होगा whom, तो ऑप्शन बी में एरर है यहाँ पर पार्ट टू में। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है नाइन्थ क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एंटोनियम, तो एंटोनियम फाइंड करना है आपको डिलीजेंट का, तो बताइए विपरीत अर्थ क्या होगा डिलीजेंट का। तो डिलीजेंट का मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ, वो होता है मेहनती, डिलीजेंट बोल देते हैं हम हार्डवर्किंग पर्सन को। तो बताइए इसका विपरीत अर्थ क्या होगा, एंटोनियम बताइए इसका, आपने गेस कर ही लिया होगा। तो इसका एंटोनियम होगा लेजी, तो ऑप्शन सी अप्रोप्रिएट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेडफास्ट, तो इसका भी आपको एंटोनियम फाइंड करना है। तो स्टेडफास्ट होता है जो अपनी बात पर अड़ा रहे, तो बताइए इसका एंटोनियम क्या होगा। तो इसका एंटोनियम होगा वेवरिंग, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है इलेवेंथ क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका भी आपको एंटोनियम फाइंड करना है स्परियस का। तो स्परियस होता है कोई भी प्रदूषित चीज, उसे हम बोल देते हैं स्परियस। तो इसका एंटोनियम क्या होगा, तो इसका एंटोनियम होगा ऑथेंटिक, शुद्धता से भरी हुई चीज। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा ट्वेल्थ क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनोनिम फाइंड करना है आपको समान अर्थ,
तो आपको सुनोनी फाइंड करना है 100 सिम का। तो 100 सिम होती है ग्रामेटिकल मिस्टेक, तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, ग्रामेटिकल एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोबोरेट का आपको सिनोनिम फाइंड करना है। तो कोरोबोरेट होता है समर्थन करना, तो बताइए इसका सिनोनिम क्या होगा। तो इसका सिनोनिम होगा सब्सटेंटी एट, तो ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिलीरियस का आपको फाइंड करना है सिनोनिम। डिलीरियस होता है उत्तेजित, तो बताइए इसका सिनोनिम क्या होगा, आपने गेस कर ही लिया होगा। तो इसका सिनोनिम होगा एक्साइटेड, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगरी का भी आपको सिनोनिम फाइंड करना है, बताइए इसका क्या सिनोनिम होगा। तो अगरी होती है भविष्य बताना, तो बताइए इसका सिनोनिम क्या होगा। तो इसका सिनोनिम होगा प्रोफेंसी, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। तो दिए गए ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए आपको एक अप्रोप्रिएट वर्ड चूज करना है। फॉर्म्स ऑफ स्पीच कलेक्टली दैट आर पेकुलरी टू द पीपल ऑफ अ पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट। तो एक फॉर्मेट है स्पीच का जो एक पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के लोग बोलते हैं, उसे हम क्या बोल देते हैं। तो उसे हम बोल देते हैं डायलैक्ट, तो ऑप्शन सी राइट आंसर रहने वाला है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू पुट वंस हैंड टू प्लॉग। तो जो प्लॉग होता है वो होता है हल, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जो हम हल चलाते हैं उसे हम बोल देते हैं प्लॉग, तो बताइए इसका अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा रहेगा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा, टू टेक अ डिफिकल्ट टास्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द इनकोरेक्टली स्पेल्ट वर्ड। तो आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा इनकोरेक्ट स्पेल्ट वर्ड है, कौन सा स्पेलिंग ठीक नहीं है दिए गए ऑप्शन में से। तो यहाँ पर ऑप्शन एट, इसके स्पेलिंग गलत हैं, आपको कमेंट बॉक्स में इसका सही स्पेलिंग बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो आपको एंटोनिम फाइंड करना है इसका, रिक्रेंट का एंटोनियम फाइंड कीजिए, विपरीत अर्थ बताइए इसका। रिक्रेंट होता है डरपोक, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा करजियस रहेगा, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगर आप पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट क्लर्क के एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को शेयर जरूर कर दें अपने फ्रेंड के साथ, अगर वो भी तैयारी कर रहे हैं। हमारा चैनल आपकी निश्चित ही हेल्प करेगा। सब्सक्राइब जरूर कर दें, इससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है जब भी कोई भी नई वीडियो अपलोड होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स।